टुडे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। बदायूं के उझानी में रहने वाली बुजुर्ग देववती के चार बेटे हैं, जिनमें से दो बेटे बाहर रहकर नौकरी करते हैं, बाकी के दो उझानी में घर पर ही रहते हैं। देववती का आरोप है कि उनके बेटे और बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। देववती ने SSP को एप्लीकेशन देकर पूरे मामले की शिकायत की है। मेरे चार लड़का हैं, मतलब दो बाहर रहते हैं और दो घर पर रहते हैं, एक बहू। अब वे मन मुँह घर से निकाल दो, मारना डालने को ताई हमारे ताई कहते हैं कि मार डालने जब करिया उन्होंने खुद याद काट दी। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? अब क्या पता, जब कहते हैं हमारे हमें सब हिस्सा दें, जो सब जमीन मकान हमारे नाम कर दें। अब आप कहाँ रह रहे हैं? हम रह रहे हैं लली के जब पास, अपनी बड़ी की। हाँ, शिकायत करी आज को? हाँ, शिकायत करी हूँ। किससे करी? कप्तान साहब के। क्या होता है उन्हें? शनिवार करिए। मकान किसके नाम है? मकान देववती के, हमारी है, हमारा नाम है देववती के। कब खरीदा था ये मकान आपने? यार मकान का तो ही गई 25-30 साल हो गई। अच्छा। हाँ, काफ़ी दिन हो गई। तो आप कोई साधन है आपका जो मदद करे और कोई है? मेरे कोई साधन नहीं है। अब ये बेटा आ जाए तो बेजान है, मेरे कोई साधन ना है। हाँ, अब जो कहते हैं उनसे हमारा मकान खाली हो जाने चाहिए और हम कुछ नहीं चाहेंगे, हम अपने मकान खुदराएँ, अपने करेंगे रुखाएंगे। दरअसल पूरा मामला बदायूं जिले के मोहल्ला अहिर टोला का है। यहाँ बुजुर्ग देववती को उनके बेटे और बहू ने उनके अपने ही घर से निकाल दिया। देववती का आरोप है कि पति की मृत्यु के उपरांत उसने अपने पैसे से मोहल्ला अहिर टोला में एक मकान खरीदा था, जिसमें वो अपने चार बेटों के साथ रहती थी। इनमें से दो बेटे अन्य किसी शहर में रहकर नौकरी कर रहे हैं, बाकी के दो बेटे उसके उसी मकान में उझानी में रहते हैं। देववती का आरोप है कि दोनों बेटे शराबी हैं और उनके साथ बदसलूकी भी करते हैं, जिसकी वजह से रिश्तेदारों ने भी आना जाना बंद कर दिया है। इन लोगों ने उसे 8 माह पूर्व घर से बाहर निकाल दिया था। जब देववती की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वह अपनी बेटी के पास जनपद कासगंज में रहने लगी। इलाज के बाद जब वो ठीक हो गई तो उसने पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर अपने बेटों से मकान खाली करने की गुजारिश की। ग्लोबल टुडे के लिए बदायूं से सालमी रियाज की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।